आज की बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का सातवां दिन, हंगामे के चलते राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसद हफ्ते भर के लिए हुए सस्पेंड, इनमें तृणमूल के 7 MP, संसद में टकराव लाइव, लोकसभा से 4 कांग्रेस सांसद पूरे सत्र से हो चुके हैं सस्पेंड, राज्यसभा के 19 विपक्षी सांसद इस हफ्ते के लिए हुए निलंबित। संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन मंगलवार को विपक्ष ने GST और महंगाई पर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई पहले 1 घंटे फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इधर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद ये 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सस्पेंड किए गए सांसदों में सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन, डोला सेन, मौसम नूर, शांता छेत्री, नंदीमुल हुक, अभिरंजन विश्वास, ए रहीम, शिवदास शान, कनिमोजी DMK, BL यादव, TRS, मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम शामिल है। इनमें कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। कांग्रेस के पिछले हफ्ते सोमवार को कांग्रेस के 4 सांसद निलंबित हो चुके हैं। सोमवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया था। ज्योतिमणि मणिकम टेगोर, TN प्रथापन, राम्या हरिदास को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है।